पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है, नहीं है तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा, देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। सर नाउ आई कम टू डी डिप्राइव, लाइक द ऑनरेबल मेंबर हैज डिप्राइव्ड हिज वाइफ। 2021 की आप ही की रूलिंग है, बिट्रेड शब्द और बिट्रेड अनपार्लियामेंट्री कैटेगरी में आता है, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा उन्होंने मिनियन शब्द का इस्तेमाल करा जो आपत्तिजनक है। इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी करी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर और इसेंट्रिक शब्द का इस्तेमाल करा। मेरा आपसे निवेदन है कि इन दोनों के लिए, इनको तीनों बातों के लिए इनको माफी मांगनी चाहिए और रिकॉर्ड से ये तीनों शब्द एक्सपंज होने चाहिए। अब आप सारा विषय जो आपने उठाया मैं उसको चेक करूंगा और माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कई माननीय सदस्य आसन को चुनौती देते हैं, आसन पर टिप्पणी करते हैं। मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों कह रहा हूं इससे बचना चाहिए, उचित नहीं है। बजट का बी पे बोला बिट्रेयल, अब यू पे आता हूं। सर यू स्टैंड फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। सर नाउ आई कम टू डी डिप्राइव, लाइक The honorable member has deprived his wife. Yes. Sir, D for deprive. Yes. You spent 20,000 crore on revamping Central Vista. You did this. Abhishek, you did this to improve Abhishek, the homes please, of the rich. Please listen. Listen. Influential. Please. And powerful. Abhishek, please. What have you done for the homeless? Please. In the cities. In the towns. Please. In the villages. Abhishek, please listen. Jo is sadan ka. जो इस सदन का मेंबर नहीं है आप इनका बारे में बोल नहीं सकता है। प्लीज ये सर रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा, ये रिकॉर्ड से निकाल दिया जाएगा। ममता बनर्जी, इस ममता बनर्जी जो इस सदन का मेंबर नहीं है, यू प्लीज डोंट मेंशन, प्लीज गो बैक। आपको प्लीज सौमित्र खान जी प्लीज गो टू योर सीट, प्लीज सौमित्र खान जी आप लोग भी बैठे। हम आसान से खड़ा हो गया आप प्लीज सौमित्र खान जी चलिए मानिए प्लीज कल्याण जी प्लीज आपके सदस्य बोल रहे हैं प्लीज। मैं एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ सर, चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन की मेंबर नहीं है, एक मिनट, सदस्य नहीं है, एक मिनट सर एक बार सुन लीजिए, एक मिनट प्लीज माननीय सदस्य आप भी बैठ जाए, एक मिनट माननीय सदस्यगण, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि जो इस सदन का सदस्य नहीं हो उसके बारे में टिप्पणी नहीं करें, सभी लोग इसकी पालन करने का प्रयास करें। सर मैं एक प्लीज बोल दिया ना सबको, सर आप लोग तो बोलते हैं, बीजेपी लोग जब करते हैं आप लोग कुछ नहीं बोलते, क्यों नहीं? एक मिनट, क्यों नहीं? आप उनको नहीं बोलने देना चाहते, आप उनको डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। प्लीज अभिषेक जी एक मिनट अभिषेक जी एक मिनट, मैंने सभी माननीय सदस्यों को, आप डायरेक्शन देंगे क्या मुझे? नो प्लीज बैठिए प्लीज, माननीय ऐसे मत कीजिए प्लीज, ऐसे माननीय सदस्य मेरे मत थपाइए, जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। अभिषेक जी मैं एक चीज सर स्पष्ट करता हूँ, ऑनरेबल चेयरमैन सर ने बोला जो इस सदन के सदस्य नहीं है,
कोई भी सदस्य उनके खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करेगा। सर, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी सदन के सदस्य है? नहीं है, तो उन्होंने क्यों टिप्पणी किया? सर, आप अपना पद का मान रखिए सर, उनको उठ के बोलिए माफी मांगेगा। देन आई विल कंटिन्यू माय स्पीच। नो सर, यू हैव टू इंटरवीन। सर, यू आर द स्पीकर, यू आर द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। नो सर, एक मिनट प्लीज, मैं हाथ जोड़ के, ए बड़े जंतू, हमी हाथ जंतू, हमी हाथ बड़े, प्लीज प्लीज प्लीज, आग्रह करता हूं विनम्र रूप से, मैं आग्रह करता हूं सर, उनको बोलिए आप स्पीकर के नाते, अध्यक्ष के नाते, इस सदन का गरीबा के लिए आप उनको बोलिए उठ के वो माफी मांगेगा। नहीं, प्लीज प्लीज, आपको कंटिन्यू करना है तो करिए, उनका नाम सदन के रिकॉर्ड से निकाल दिया है, नहीं करना है तो आप डायरेक्शन में दिए कि उनको माफी मांगाई। आप मुझे डायरेक्शन नहीं दे सकते, मैंने उनका नाम निकाल दिया, ऐसे कई बार हुआ है सदन में, पहले निकाल दिया। सर, डी फॉर डिप्राइव, यू स्पेंड 2,000 crore ऑन रिवैम्पिंग सेंट्रल विस्ता, यू डिड दिस टू इम्प्रूव द होम्स ऑफ द रिच, इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल। वॉट हैव यू डन फॉर द होमलेस इन द सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस? वाई हैव यू डिप्राइव द होमलेस अक्रॉस इंडिया एंड बंगाल? यू आर नॉट ओनली विजनलेस एंड शेमलेस, यू आर नॉट, एक मिनट सर, ही इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू। अब क्यों डिस्टर्ब, मैं बाद में आपकी बात सुन लूंगा सर, ही आपकी बात सुन लूंगा सर। सो नहीं नहीं, सब निकाल देंगे, प्लीज निकाल देंगे सर, ये तो आपका बात भी नहीं सुन रहे। डिप्राइविंग रूरल पुअर, मोदी जी की तीसरी बार गरीबों के ऊपर लगातार अत्याचार। सर, ओवर द पास्ट डिकेड द बीजेपी लेड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट्स बांग्ला विरोधी स्टैंड अबंडेंटली क्लियर by deliberately depriving people and abusing power to suppress Bengal's voice. They have made an array of hollow promises, disrespected Bengal's culture, and hatched continuous conspiracies to tarnish the state's image. Failing to fight us politically, you declared an all-out war on our rural poor, depriving them of roti, kapda, and makan. Uttar Pradesh, they speak about double-engine government. They are trying to defame Bengal, but let me give you a data which was given by the Social Empowerment Justice Ministry last year, which was given by the minister himself in Rajya Sabha in June 2023, which proves that Uttar Pradesh have the highest number of cases of atrocities against Dalit, yes, followed by Rajasthan. Sir, who is in power in Uttar Pradesh and Rajasthan? Can these two who are shouting at the top of their voices answer? Who is the chief minister of Uttar Pradesh? Who is the chief minister of Rajasthan? Both ministries ke abhi UC certificates kuch states se nahi aate hain ki usse alag alag states se mahila ke pe atyachar hua, zero, ek bhi nahi hai. Kisanon ka atyachar hua, zero, kuch bhi nahi hai. आज देश में एक प्रांत ऐसा है, उस प्रांतों में ना किसानों का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का आत्महत्या होता है, ना महिलाओं का अत्याचार होता है, एक ही स्टेट है ये। आज जब तक अभी जो भाषण सुना है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर, जो वो वेस्ट बंगाल के बारे में बात करना था वो शब्द पूरा इधर यूज किया है। ये पूरा भाषण जो अभिषेक बनर्जी जी है आदरणीय सदस्यों, पूरा भाषण वो वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है, भारत सरकार के लिए नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल के सरकार के लिए है वो।